हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गीकी रे एंड गीकी अपडेट्स के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। काफी सारे न्यू अपडेट्स पर बात करेंगे, ब्रांड न्यू ट्रेलर से लेके गेम ऑफ थ्रोन स्पिन ऑफ और डीसी से भी दैट माइंड ब्लोइंग जोकर 2 ट्रेलर और भी बहुत सारे न्यूज है। फ्रेंड्स, मार्वल के अपडेट्स गीकी अपडेट्स के नेक्स्ट एपिसोड यानी सैटरडे को आएगा डिज्नी के सिनेमाकॉन पैनल के बाद, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे अपडेटेड। मैं एवरी वीक 2 एपिसोड लाता हूँ जिनमें डीसी, मार्वल और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के सारे अपडेट्स होते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो फ्रेंड्स, क्रिश्चियन बेल की नेक्स्ट मूवी द ब्राइड, जिसे द डार्क नाइट के ही रेचल यानी मैगी जिलनहॉल डायरेक्ट कर रहे हैं, उसका फर्स्ट लुक रिवील हो गया है और इस मूवी में क्रिश्चियन बेल फ्रैंकेंस्टाइन के मॉन्स्टर का रोल प्ले करेंगे और ये मूवी नेक्स्ट ईयर अक्टूबर 3 को यानी द बैटमैन पार्ट 2 के पहले रिलीज डेट पर आएगी। फ्रेंड्स, रिसेंटली मैक्सिन का फर्स्ट ट्रेलर रिलीज हुआ और ये टीआई वेस्ट के एक्स हॉरर ट्रिलॉजी का फाइनल पार्ट होगा। एक्स और एक्स के प्रीक्वल पर्ल दोनों ही मूवीज 2022 में रिलीज हुई थी और अब फाइनली मैक्सिन इसी साल जुलाई में रिलीज होगा। फ्रेंड्स, मुझे तो मूवी का 80s का लुक और म्यूजिक बहुत ही अमेजिंग लगा और अगर आपने पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं, एक्स को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, नेटफ्लिक्स पर पर्ल अवेलेबल है। और फ्रेंड्स, अब एक बुरी न्यूज देता हूँ फ्रॉम द गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स। रिसेंटली एक इंटरव्यू में किट हैरिंगटन ने ये रिवील किया कि जॉन स्नो को लेके जो एक स्पिन ऑफ सीरीज बनने वाला था वो अभी इनडेफिनाइट टाइम के लिए होल्ड पे चला गया है। तो फ्रेंड्स, अब सिर्फ हेज नाइट और एगन्स कॉन्क्वेस्ट, ये 2 स्पिन ऑफ सीरीज करंटली इन द वर्क्स है। और इसके बाद एक और बैड न्यूज है फ्रेंड्स, फ्रांसिस फोर्ड कोपला की न्यू मूवी मेगालोपोलिस, जो कि इसी साल रिलीज होने वाला था, अब इस कंप्लीट मूवी को लेके प्रॉब्लम शुरू हो गई है क्योंकि कोई भी मेजर स्टूडियो इस $120 million एक्सपेरिमेंटल मूवी को खरीदना नहीं चाहता। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये मूवी करंटली मई के महीने में कान फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर होगी। और नेक्स्ट न्यूज है सिनेमाकॉन से। तो फ्रेंड्स, सिनेमाकॉन में बोंग जून हो और रॉबर्ट पैटिनसन की न्यू मूवी मिकी 17, जो कि इसी साल रिलीज होने वाला था, उसका फर्स्ट ट्रेलर रिवील किया गया और ये मूवी नेक्स्ट ईयर January 7 को रिलीज होगी। इसी के साथ मूवी का फर्स्ट सिनॉप्सिस भी रिवील किया गया। ये एक साइफाई मूवी होगी और इस मूवी में लीड रोल में रॉबर्ट पैटिनसन होंगे, जो एक स्पेस कॉलोनिस्ट होंगे और मिकी नाम का ये कैरेक्टर एक एक्सपेरिमेंटल क्लोनिंग प्रोजेक्ट का पार्ट होगा जिसको बार बार मारा जाएगा और क्लोनिंग किया जाएगा और ये मूवी इस कैरेक्टर के 17th नंबर क्लोन के ऊपर बेस्ड होगी। फ्रेंड्स, मुझे ये स्टोरी सैम रॉकवेल के मून मूवी से काफी सिमिलर लगी। फ्रेंड्स, अब डीसी की ओर चलते हैं। तो 9th अप्रैल को सिनेमाकॉन में वार्नर ब्रदर्स का पैनल था, जो मैंने पहले भी कहा था कि इस पैनल से हमें डीसी के बारे में कुछ अपडेट्स मिल सकती है। तो सिनेमाकॉन पैनल में जेम्स गन तो अवेलेबल नहीं थे क्योंकि आप सबको पता ही होगा वो अभी सुपरमैन शूटिंग के लिए बिजी हैं, पर पीटर सैफरन आए थे इस इवेंट में और जेम्स गन ने एक वीडियो मैसेज भी भेजी थी और उन्होंने कहा कि नेक्स्ट ईयर सिनेमाकॉन में फुल सुपरमैन कास्ट अपीयर करेगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ पीटर सैफरन ने सुपरमैन मूवी का ऑफिशियल लोगो भी रिवील किया और उन्होंने कहा कि नेक्स्ट ईयर सुपरमैन के साथ बोल्ड न्यू एरा ऑफ डीसी स्टोरी टेलिंग विल बिगिन। बट अनफॉर्चुनेटली कोई सुपर सूट रिवील नहीं हुआ इस इवेंट में। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है सुपर सूट रिवील कब होगा? मुझे लगता है अप्रैल के 18th हो सकता है क्योंकि 1938 में अप्रैल 18th सुपरमैन का फर्स्ट कॉमिक बुक अपीयरेंस हुआ था, तो शायद जेम्स गन उस दिन सुपर सूट रिवील भी कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। और रिसेंटली डेविड कॉन्सवेट अपने न्यू मूवी द ग्रेटेस्ट हिट्स को प्रमोट करने एक इवेंट में गए थे और वहां एक फैन ने उनसे पूछा अबाउट सुपरमैन मूवी की स्टोरी किस कॉमिक से इंस्पायर्ड होगी इस बारे में। तो डेविड कॉन्सवेट ने कहा कि सुपरमैन मूवी के वाइव सुपरमैन फॉर ऑल सीजंस और ऑल स्टार सुपरमैन, इन दोनों से मिलती है, लेकिन इसकी स्टोरी न्यू है जो कि जेम्स गन की क्रिएशन है। और जेम्स गन ने भी रिसेंटली एक और बार किंगडम कम के एक पिक अपने इंस्टा में शेयर की। तो फ्रेंड्स, सुपरमैन मूवी, सुपरमैन फॉर ऑल सीजंस, ऑल स्टार सुपरमैन और किंगडम कम, इन सारे क्लासिक सुपरमैन कॉमिक्स से इंस्पायर्ड होगी। और फ्रेंड्स, लास्ट मंथ मैंने डीसी अपडेट्स के एपिसोड में आप सबसे कहा था अबाउट ए डॉक्यूमेंट्री मूवी जो क्रिस्टोफर रीव्स के लाइफ पर बेस्ड होगी और उनकी रियल लाइफ स्टोरी को दिखाएगी, सुपरमैन अ क्रिस्टोफर रीव स्टोरी। जेम्स गन और डीसी स्टूडियोज ने डॉक्यूमेंट्री मूवी खरीद भी ली थी और अब पीटर सैफरन और जेम्स गन ने ये अनाउंस किया है कि ये डॉक्यूमेंट्री इसी साल सितंबर के महीने में थिएट्रिकली रिलीज होगी। और फ्रेंड्स, लास्ट में बात करते हैं दैट माइंड ब्लोइंग गूज़बम्प्स इंड्यूसिंग जोकर फली अड्डू ट्रेलर की। तो आज जोकर का फर्स्ट ट्रेलर रिलीज हो गया और फ्रेंड्स, मैं सच में कहता हूँ फर्स्ट मूवी एक मास्टरपीस थी, पर जब ये सीक्वल अनाउंस्ड हुआ था तो मैं भी इसके अगेंस्ट था और मैंने भी सोचा था कि जोकर एज ए स्टैंड अलोन मूवी ही बेटर है, उसे कंटिन्यू करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। टॉड फिलिप्स हैज प्रूव्ड मी एंड मेनी ऑफ अस नेसेयर्स रॉन्ग। फ्रेंड्स, दिस इज सिनेमा। इस ट्रेलर का हर एक सीन इतना ब्यूटीफुली शॉट किया गया है, ऑल्सो दैट ब्यूटीफुल बैकग्राउंड म्यूजिक। फ्रेंड्स, अब ट्रेलर की बात करते हैं। तो ट्रेलर शुरू होता है आर्कम असाइलम में, जहां लास्ट मूवी के इवेंट्स के बाद आर्थर अभी कैद है। और देन नेक्स्ट शॉट में वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स ब्रैंडन ग्लीसन को दिखाया जाता है, जो इस मूवी में आर्कम के प्रिजन गार्ड का रोल प्ले करेंगे। नेक्स्ट सीन में आर्थर अंधेरे में एक सिगरेट को लाइट करता है, वो शॉट भी इतनी अच्छी तरीके से दिखाई गई है। और देन आर्थर को बारिश में भीगते हुए कहीं ले
ले जाया जा रहा है तो आर्थर ऊपर की ओर देखता है और आप देख सकते हो कि गार्ड्स के जो अम्ब्रेलास है उनके कलर चेंज हो जाते हैं। फ्रेंड्स आई थिंक ये मूवी मोस्टली आर्थर के दिमाग में ही टेक प्लेस करेगी पहले मूवी की तरह, और आर्थर के आसपास जितनी भी प्रॉब्लम्स हो आर्थर के माइंड में सब कुछ कलरफुल और म्यूजिकल रहेगा और वही पार्ट हम आर्थर के थ्रू देख पाएंगे। लेकिन इस मूवी में आर्थर का पागलपन शेयर करने के लिए लेडी गागा एज हार्ली क्विन भी होंगी। फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि हार्ली क्विन पहले से ही जोकर की फैन होगी और जोकर से मिलने के लिए ही आर्कम में एडमिट भी होगी। और नेक्स्ट सीन में दिस ब्यूटीफुल शॉट ऑफ जोकर इन द स्पॉटलाइट एंड देन स्टेज में डांस करते हुए जोकर और हार्ली, और फिर फ्रेंड्स मूवी के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जहां जोकर अपने ही कुछ इंपर्सोनेटर से भाग रहा होता है और देन उसे कोर्ट में ले जाया जा रहा होता है। आप देख सकते हो कि पूरी क्राउड जोकर के रिलीज के लिए फ्री द जोकर के पोस्टर लिए हुए खड़ी है, तो जोकर अभी भी गोथम का हीरो है। देन नेक्स्ट आर्थर अपने नए डॉक्टर से बात कर रहा होता है। आर्थर के साइकियाट्रिस्ट आर्थर से पूछता है व्हाट चेंज्ड आर्थर, तो आर्थर रिप्लाई देता है आई एम नॉट अलोन एनीमोर। फ्रेंड्स ट्रेलर के लास्ट में एक और बेहतरीन शॉट ऑफ जोकर स्माइलिंग और बैकग्राउंड में जो सॉन्ग दिया गया है लेट बर्ट बकाडाक की व्हाट द वर्ल्ड नीड्स नाउ। फ्रेंड्स मुझे लगता है ये एक लव स्टोरी भी होगी और इस मूवी में जोकर का ट्रायल भी एक बिग पार्ट रहेगा और शायद उसी ट्रायल में हमें हार्वी डेंट गोथम सिटी की ओर से दिख सकते हैं। और फ्रेंड्स मुझे ये भी लगता है कि इस मूवी में आर्कम में इनमेट्स को लेके एक म्यूजिकल इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिनमें इनमेट्स ही पार्ट लेंगे और उस शो के पार्ट ही म्यूजिकल होंगे। टॉड फिलिप्स ने सिनेमाकॉन में कहा कि ये मूवी म्यूजिकल नहीं होगी पर म्यूजिकल पार्ट्स होंगे मूवी में और मोस्ट ऑफ देम जोकर और हार्ली के दिमाग में ही होंगे। जोकर फलिया 2 अक्टूबर 4 को रिलीज होगी और फ्रेंड्स मैं सच में शॉक्ड रह गया ये देख के कि हाउ गुड दिस मूवी एक्चुअली लुक्स। इस मूवी की बजट है $200 मिलियन जो कि फर्स्ट मूवी से 3 गुना से भी ज्यादा है, लेकिन इसका फर्स्ट ट्रेलर देखने के बाद मैं भी फैन बन गया हूँ। टॉड फिलिप्स ने शायद सेकंड टाइम के लिए एक मास्टरपीस बनाई है। ये मूवी शायद लास्ट मूवी की तरह $1 बिलियन तो नहीं हिट कर पाएगी लेकिन एक मास्टरपीस ऑफ सिनेमा जरूर बनेगी। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स, और मैं एवरी वीक गीकी अपडेट्स के 2 एपिसोड लाता रहूंगा, तो प्लीज सब्सक्राइब अगर आप एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के अपडेट्स देखना चाहते हो तो। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस या फीडबैक हो तो मुझे कमेंट में बोलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।